देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के लालगंज सिविल न्यायालय में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो व मंत्री साजिद मर्री के खिलाफ परिवाद दाखिल। जी आपको बता दें, ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने किया कोर्ट में दाखिल याचिका। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारत के खिलाफ बयानबाजी को लेकर आक्रोशित अधिवक्ता ने कोर्ट में किया पाकिस्तानी मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस चलाए जाने की फरियाद। जी हाँ, याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तथा मंत्री साजिद मर्री के बयान को बताया भारतीय संविधान के मुताबिक देशद्रोह का अपराध। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि पाकिस्तानी मंत्रियों का बयान जिनेवा समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून का है उल्लंघन। आपको बता दें, कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से लालगंज संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, महेश व दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश पांडे ने याचिका पर किया बहस। याचिकाकर्ता ने परिवाद को लेकर भारत सरकार से पाकिस्तानी उच्चायोग के माध्यम से कोर्ट के समन तामिल कराए जाने पर दिया है जोर। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के खिलाफ कोर्ट में याचिका को लेकर वकीलों ने भी जताया भारी समर्थन। कोर्ट परिसर में बिलावल भुट्टो तथा साजिद मर्री के साथ पाकिस्तानी मुर्दाबाद के गूंजे नारे। जी आपको बता दें, याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तानी मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग तथा भारत को परमाणु हमले की धमकी भारतीय संप्रभुता के लिए है पाक मंत्रियों की खतरनाक आपराधिक मंशा। जी हां, सिविल कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते सिविल जज कुंवर दिव्यदर्शी ने 5 जनवरी को याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई का पारित किया है आदेश। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के खिलाफ भारतीय अदालत में मुकदमे को लेकर तहसील तथा बाजार में शुरू हुई सरगर्म चर्चा। जनवरी को अदालत के अगले रुख पर अब टिकी है लोगों की निगाहें। देखते रहिए प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। तो मुर्दाबाद। सर, क्या कुछ नाराजगी और किस लिए आप लोगों ने इस तरीके का आंदोलन किया? आज हमने ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तान के मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और वहाँ की कैबिनेट मंत्री शहबाज सरकार की आजिया मर्री के खिलाफ एक यहाँ पे पिटीशन दाखिल किया सिविल कोर्ट लालगंज में, जो आउटलाइन कोर्ट है प्रतापगढ़ की लालगंज। बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश के प्रति आपत्तिजनक बयान था, उसको कोर्ट करना उचित नहीं होगा। तो ये पूरी तरीके से भारत की राष्ट्रीय अस्मिता पर एक विदेशी, जिसे हम शत्रु राष्ट्र मानते हैं, उसके द्वारा एक आक्रामक बयान दिया गया। इससे पूरे भारत में आक्रोश है। वहाँ की मंत्री आजिया मर्री ने कहा कि परमाणु बम हमले इसलिए बनाया है देखने के लिए नहीं, परमाणु अटैक की उन्होंने धमकी दी भारत को, जिससे भारतवासियों बहुत गुस्सा है। प्रधानमंत्री सर्वमान्य होते हैं, किसी देश के किसी भी दल के हों, कहीं से भी हों, वो देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। सीधे सीधे जो भारत का संविधान है उसमें बिलावल भुट्टो का बयान यहाँ के राष्ट्रद्रोह के दायरे में उनको खड़ा करता है, अजिया मर्री को राष्ट्रद्रोह के दायरे में खड़ा करता है। तो हमने एसपी प्रतापगढ़ को इसमें फैक्स किया, मेल किया, उनको रजिस्ट्री किया। कल हम कोतवाली लालगंज अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, महेश जी, उपाध्याय जी, सहजाद जी, सबके साथ गए वहाँ पर। इंस्पेक्टर को हमने तहरीर दिया, सीओ लालगंज रामसूरत सोनकर से मिले, कार्रवाई नहीं हुई। तो अंततः हम न्यायालय आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो का बयान है और अजिया मर्री का जो बयान है, वो जिनेवा जो संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान और अन्य राष्ट्रों के युद्ध समझौते हुए थे, उसका उल्लंघन है। तो वो उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने, वहाँ की मंत्री अजिया मर्री ने, इन्होंने भारत के संविधान, भारत के कानून का उल्लंघन किया है। इन्होंने एक स्वतंत्र संप्रभु भारत राष्ट्र को, उसकी संप्रभुता को चुनौती दी है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। तो हमने इसके लिए आज यहाँ पर पिटीशन दाखिल की है। पिटीशन में बहस किया है हमारी रिट पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश पांडे जी, सिविल के संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, महेश जी, सहजाद जी, सब लोग रहे। तो आज इसकी सुनवाई हुई है 5 जनवरी को। इस पे अदालत पोषणीयता पर सुनेगी। तब तक थाना लालगंज से आख्या मांगी गई है कि हमारे एप्लीकेशन पर उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज किया है या नहीं दर्ज किया है। तो ये राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है और हम बिलावल भुट्टो जब तक क्षमा नहीं मांग लेते भारत देश से, समूची दुनिया के सभ्य राष्ट्रों से, तब तक हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। और हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि पाकिस्तान उच्चायोग से आपत्ति दर्ज करा चुकी है, लेकिन हमारी जो ये रिट पिटीशन है।